राजपूत और नेपाली श्रेणी में बना है ये मंदिर। आप आएंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि ये मंदिर पूरे नेपाल में जैसे बना होता है वैसे ही बना है। सीता माता के पिता का नाम था जनक और उन्हीं के नाम से पड़ा शहर का नाम जनकपुर। और ये मंदिर है सीता माता और राजा जनक की कुल देवी राजदेवी का। जनकपुर की समृद्धि और संस्कृति का प्रमाण है ये मंदिर। भगवान राम और सीता से जुड़े सभी त्यौहार यहाँ पर धूमधाम से मनाए जाते हैं। जनकपुर में सीता माता का जनक मंदिर खुलता है 8 बजे, तो सुबह जल्दी उठ जाएं और सबसे पहले यहाँ आकर दर्शन कर लें और कुछ मंत्र जाप ध्यान वगैरह कर लें तो माता सीता की तरह आपको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जनकपुर में प्रमुख 4 मंदिर हैं, जिसमें जानकी मंदिर, राम मंदिर, मणि मंडप और राजदेवी, जिसमें के राम मंदिर और राजदेवी इसी कंपाउंड में है। जानकी मंदिर से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। नेपाल के 25 मंदिरों के दर्शन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीता माता जगत माता होकर भी अपनी कुल देवी की पूजा करती थी और हम लोग इतने बड़े भक्त हो चुके हैं कि कई लोगों को अपनी कुल देवी का नाम भी नहीं मालूम। कई लोग अपनी कुल देवी की पूजा तक नहीं करते और कई लोगों को अपनी कुल देवी के सबसे बड़े मंदिर तक आज नहीं गए। आपकी कुल देवी का नाम मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में उनकी जय जरूर लिखेगा। और ऐसे ही 1800 मंदिर जो आज से पहले नहीं देखे, देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, देखें मंदिर का दर्शन। जय माता दी।